सभी विकलांगों के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी। विकलांगों के पास नरेगा कार्ड यानी जॉब कार्ड है तो विकलांगों को मिलेगा तीन बड़ी योजनाओं का लाभ। आखिर वो कौन सी तीन बड़ी योजना है और किस किस को मिलेगा फायदा, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को किस प्रदेश के जिले से देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रदेश का नाम, अपने जिले का नाम जरूर लिख दें ताकि हम आपके प्रदेश में, आपके जिले में चल रही एक से एक बड़ी सरकारी योजना के बारे में आपको नई नई जानकारी देते रहें। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे आखिर वो कौन सी तीन बड़ी योजनाएं हैं जो केवल विकलांगों के लिए मोदी सरकार ने लागू की है। उन्हीं विकलांगों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा जिनके पास जॉब कार्ड यानी नरेगा कार्ड बना हुआ है। जिनका नहीं है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आखिर कौन सी योजनाएं, बात करेंगे सबसे पहली और बड़ी योजना को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी योजना है नरेगा कार्ड योजना। जिन विकलांगों के पास नरेगा कार्ड है उन सभी विकलांगों को 15,000 रुपए छमाई के हिसाब से मोदी सरकार देगी। जहां मोदी सरकार ने आम लोगों को 100 दिन का रोजगार देने का वादा किया था और उनको काम के हिसाब से उनको रोजगार भी दिया जा रहा है, लेकिन विकलांगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मोदी सरकार ने सभी विकलांगों को घर बैठे, विकलांग प्रमाण पत्र हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल नरेगा कार्ड बना हुआ है तो विकलांगों को 15,000 रुपए छमाई के हिसाब से उनके खाते में दिए जाएंगे। इसके लिए उनके पास खुद का एक सेविंग अकाउंट होना जरूरी है जो कि नरेगा कार्ड से लिंक किया जाएगा, जिसके बाद उसी खाते में 15,000 रुपए छमाई के हिसाब से डाले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका अभी तक नरेगा कार्ड नहीं बना है तो जल्द से जल्द बनवा ले, वही बात करेंगे। जिन विकलांगों को अभी तक फ्री स्कूटी योजना का लाभ नहीं मिला है तो वो अपने ब्लॉक में जाकर 15 सितंबर से फॉर्म भर सकते हैं, जिसके बाद उनको फ्री स्कूटी योजना का लाभ मिल जाएगा। उनके पास विकलांग प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, साथ ही नरेगा कार्ड होना जरूरी है, जिसके बाद उनको फ्री स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा। वहीं बात करेंगे तीसरी और बड़ी योजना को लेकर। तो दोस्तों, जिन विकलांगों का जनधन योजना यानी जीरो बैलेंस वाला खाता खुला है उन सभी विकलांगों के खाते में 10,000 रुपए मोदी सरकार जनधन योजना के तहत डालेगी। तो इन सारी स्कीमों का फायदा उठाने के लिए आपके पास नरेगा कार्ड यानी जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। जिन विकलांगों के पास जॉब कार्ड नहीं है वो जल्द से जल्द अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करें और अपना जॉब कार्ड बनवा लें, या फिर अपने ब्लॉक में जाकर ब्लॉक प्रमुख से संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद उनका जॉब कार्ड यानी नरेगा कार्ड बन जाएगा और इस योजना का फायदा मिलने लगेगा। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी तीनों योजनाओं के बारे में, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।